आप सुन रहे हैं विवेक 90.4 एफएम पर स्पेशल कार्यक्रम ऑन नो स्मोकिंग डे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मदन गुलाटी, जो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से, तथा आजकल अपनी निशुल्क सेवाएं दे रहे हैं इंदिरा हॉलिडे होम सेक्टर 24 में सुबह 10 से 12:30 बजे तक। और आज हमारे साथ चर्चा करेंगे धूम्रपान पर, तथा बताएंगे कि स्मोकिंग किस तरह से हमारी हेल्थ, फैमिली और काम पर प्रभाव डालती है। सो वेलकम टू अवर स्टूडियो डॉक्टर गुलाटी। डॉक्टर गुलाटी, कहा जाता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, स्मोकिंग इज वेरी 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 डेंजरस टू अवर हेल्थ। अगर हम हमारी बॉडी को ही देखें, तो जब कोई आदमी पहली बार स्मोक करता है तो सबसे पहले उसको क्या होता है कि उसमें बॉडी खुद समझती है कि ये गलत चीज है, इट इज इंजीरियस टू मी। दैट इज वाई जब भी पहली बार कोई स्मोक करता है तो उसको पहले स्टार्ट पे गले में इरिटेशन होगी, कफ होगी, उसको जो है वॉमिटिंग टाइप का सिम्टम होगा, उसको हेडेक हो जाएगी। मतलब वो बॉडी उसको रिएक्ट करती है एकदम से कि इस अच्छी चीज़ नहीं। जो फर्स्ट टाइम जो स्मोक करता है वो उसको इस तरह के सिम्टम ये बताते हैं कि भाई ये इट्स वेरी वेरी इंजीरियस टू अवर हेल्थ। डॉक्टर गुलाटी, आपने बताया कि स्मोकिंग हमें बहुत तरह से प्रभावित करती है, हमारे कई बॉडी पार्ट्स पर इफेक्ट करती है, उसके बारे में बताएं। देखो, स्मोकिंग जो है ये एक, आप स्मोकिंग को आप समझिए कि क्या होता है कि स्मोकिंग में हम जो तंबाकू होता है ना, या तंबाकू या कैनाबिस है, भांग है या कुछ भी, उसको जब हम किसी चिलम में या किसी सिगरेट के फॉर्म में या बीड़ी के फॉर्म में जब उसको जला करके उसमें उसको लेते हैं, तो उससे हमारे जो है लगभग 40,000 जो है वो उसमें से केमिकल सब्सटेंसेस निकलती हैं, जिनमें से पता चला है कि 400 जो हैं वो बड़े टॉक्सिक होते हैं, जिनमें से एक तार नाम की चीज़ होती है जो कि कार्सिनोजेनिक होती है। उसी तरह उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि फिर ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी जो है ना वो हमारे लंग्स को वो कैरी नहीं कर सकती। और फिर उसमें निकोटीन होती है जो एडिक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो फैट डिपोजिशन होती है, फैट जो बॉडी में वो हमारी आर्टरीज के बीच में उसको जो इनर लाइनिंग होती है ना उसमें वो फैट एक्युमुलेट हो जाता है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जब एथेरोस्क्लेरोसिस होगी तो हमारी जो वो आर्टरीज से ब्लड सप्लाई, हमारी न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बॉडी का ऐसा ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे स्मोकिंग का बैड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब आपको ना तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जाएगी ना प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी, और उसके साथ जब तार जैसी चीज़ें जाएंगी तो जो कार्सिनोजेनिक हैं, तो सबसे बड़ा जो है ये रिस्क इसका किसका है, कैंसर का। तो जो सबसे बड़ा हैजर्ड जो सबसे पहले जर्मन को पता लगा था, उसने डिक्लेयर किया था कि ये कैंसर को लीड करती है, इसको स्मोकिंग को, जब प्रिवेंशन के ऊपर काम शुरू हुआ, क्योंकि ये हमारी जो हिस्ट्री है ना स्मोकिंग की, ये लगभग 5,000 साल पुरानी है। पहले शायद लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई मतलब ये कोई जैसे स्मोक करते हैं तो शायद हमारे जो थॉट्स हैं वो हेवन के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें एक इस तरह का एक प्लेयर सा महसूस होता है ना, कंसंट्रेशन सी महसूस होती है, कामनेस में ऐसे फीलिंग्स उनको होती है कि भाई हम हेवन में पहुंच गए और हमारी भगवान से सीधी बातें हो रही हैं और हमें जो है प्रार्थनाएं हमारी स्वीकार हो रही हैं। तो शायद ऐसे कुछ थॉट्स आए होंगे जब ये स्टार्ट हुई होगी। तो जब ये रिसर्च हुई कि भाई ये तो बड़ी डेंजरस चीज़ है, अब तो इस पर बहुत वर्क हो रहा है, ऐसी सोसाइटीज़ बनी है सारे भारत में नहीं सारे विश्व में, ये हो रहा है कि ये जो है ना बड़ी डेंजरस चीज़ है। तो ऐसा एक भी ऑर्गन नहीं है, हम इसको जो है डिटेल में लेंगे कि भाई कौन कौन से पार्ट को किस तरह से इफेक्ट करती है। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जब हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो हार्ट अटैक आज कॉमन हो रहे हैं, उसका जो रूट कॉज है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने बताया दैट लीड्स टू, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर जाते नहीं है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन नाम की डिजीज जिससे हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो जो है वो स्मोकिंग से होती है। फिर हमारे कैंसर हैं जैसे कि थ्रोट कैंसर है, फिर उसके बाद गले के कैंसर के साथ साथ लंग कैंसर है, ठीक है, एक हमारे जो गाल ब्लैडर का जो इसका उसमें इफेक्ट करती है, लिवर के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इतना बुरा इफेक्ट है इसका कि इससे हमारे जो है पेप्टिक अल्सर वगैरह डेवलप हो जाते हैं, क्रोहन्स डिजीज होती है, जिसमें कि मतलब जो क्रोहन नाम के एक साइंटिस्ट ने पता चलाया था कि उसका भी ये काज जो है उसको इन्हांस करती है। फिर हमारी हीलिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी हील नहीं हो पाते, ठीक है। फिर इस हमारे जो दांत हैं उनको जो है बहुत डेंजरस इसका इफेक्ट है, इसको पीले हो जाते हैं, बोन्स में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रिटल बोन हो जाएंगी, क्योंकि कैल्शियम वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं जाएगी तो उसकी जो है बोन ऑस्टियोपोरोसिस, पोर्स हो जाते हैं बोन्स में। तो उस तरह से मेल इरेक्टाइल फंक्शन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बड़ा बुरा इफेक्ट है इसका, कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा वो हमारा मेल इरेक्शन जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो जाती है। फीमेल भी अगर उसको पैसिव स्मोकिंग भी करती है ना तो उनको क्या होता है कि उनकी जो है वजाइनल जो है ना ड्राइनेस हो जाती है। तो दीज आर दी बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, टोटल फैमिली को इफेक्ट करती है। अगर बाय द वे कोई प्रेग्नेंट मदर है और उसका हस्बैंड स्मोक करता है तो इट इज कॉल्ड एज पैसिव स्मोकिंग, भाई वो तो उसको नुकसान उसको हो रहा है,
तो अगर वो भी जो है उसके डेंजर से क्या होगा कि वो बच्चे की जो है ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, रिटार्डेड ग्रोथ होगी, बच्चा हो भी गया तो उसके कान में जो है ना मिडल ईयर इन्फेक्शन हो जाती है, तो इस तरह से वो ब्रोंकियल एस्थमा के लिए प्रोन हो जाते हैं। अच्छा, स्मोकिंग से हमारी जो स्किन है उसकी जो टेक्सचर है ना वो खराब हो जाती है, तो उसकी जो ब्यूटी ऑफ द स्किन है वो भी, और एक आदमी कहते हैं ना जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहा है, तो अगर वो स्मोक करने लग जाएगा तो वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, 5 साल उसकी जो है, ऐसा हमें मतलब जो साइंटिस्टों ने या रिसर्चर्स ने जो पता चलाया है कि जो हम एक सिगरेट पीते हैं हम अपनी कम से कम 5 से लेकर 20 मिनट, एवरेज क्या है 11 मिनट हमारी एज जो है वो कम हो जाती है, जो हमारी ईश्वर ने दी हुई है उसको एक स्मोक से इतना नुकसान होता है कि हमारी, क्योंकि उतनी न्यूट्रिशन नहीं गई बॉडी को, हमारा स्टेमिना कम हो जाएगा, हमारी जो है वो परफॉर्मेंस की जो एक्टिविटीज़ हैं सारी है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, वाल से लेकर के सिर से लेकर के पाँव तक, मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे इसका क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर कम जाए, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ लाइफ, अगर किसी को ऑक्सीजन ही पूरी नहीं मिल रही और बल्कि उसमें पॉइजन जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी चीज़ें जा रही हैं और निकोटीन जा रहा है, साइनाइड जैसी चीज़ें जा रही हैं, तो वो बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट होगा कि जिसको वो नुकसान नहीं करेगी। और आज ये बड़ा भारी हेल्थ हैजर्ड है, और आपने बड़ा अच्छा किया कि इसको नो स्मोकिंग डे जो हम ये 14 तारीख को जो मनाते हैं हम 14 मार्च को, तो इसमें इस तरह का मैसेज सोसाइटी को दे रहे हैं। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट इट। डॉक्टर गुलाटी, आपने बताया इससे हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स या बीमारियां हो सकती हैं, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में बताएं। देखो, स्मोकिंग का जो जो बीमारियां हो जाती हैं उसके लिए हम उसको, क्योंकि इससे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है ना, स्मोक अगर कोई करता है तो उसको स्मोक, सबसे अच्छी बात तो कि स्मोकिंग छोड़नी चाहिए है ना, कुछ स्मोकिंग जब तक वो ऐसा बंदे की विल पावर ऐसी नहीं बनती कि भाई मुझे एक स्मोकिंग जो है मेरे लिए इतनी हार्मफुल है, उसको अंडरस्टैंड करें कि ये जो है, परंतु उसकी जो आदमी इसके चक्कर में आ जाता है ना वो उसको छोड़ नहीं पाता। उसका रीज़न क्या आता है कि निकोटीन है वो हाईली एडिक्टिव है, एडिक्शन हो जाती है उसकी, तो जो एडिक्टिव चीज़ है वो बॉडी अगर उसको छोड़ती है तो उसको क्या होता है कि इरिटेबिलिटी हो जाती है, एकदम से डिप्रेशन सा उसको ऐसे, मतलब जैसे कोई चीज़ उसके उससे खोई गई है ना, इस तरह के सिम्टम जब होते हैं तो उनको हम उसको कर सकते हैं कि भाई अगर तुम स्मोक छोड़ते हो तो तुम्हें जो है ऐसी औषधियाँ हैं, हमारे बहुत सारी मेडिसिन हैं इवन आयुर्वेद में, जैसे कि अश्वगंधा नाम की प्रेपरेशन है जिसको अगर हम दें तो आदमी बड़ी ईजिली, क्योंकि उसको वो सिम्टम इसी तरह से एक टगर होती है वेलेरियाना वेलेचियाई, एक सैट जोन हर्ब होती है दैट इज़ आल्सो वंडरफुल ड्रग, वो बड़ी यूज़ करते हैं हम उसको। तो कई बार क्या करते हैं कि ये जो निकोटीनिक एसिड क्योंकि होता है ना उसके लिए निकोटीन का ही प्रोडक्ट दे देते हैं कोई, परंतु वो स्मोक तो छोड़ देता है पर वो गलत आदत में पड़ जाता है। आई डोंट रिकमेंड दैट, मैं तो ये कहता हूँ कि उसको हर्बल वे से या हमारी जो उसके स्मोक से होने वाले जो नुकसान है, जैसे कि हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी ले ली जाए तो दैट कैन हेल्प, ग्रेप्स का जैसे जूस पी लिया जाए है ना, जैसे संतरे का जूस है या नींबू का सेवन करें, तो इस तरह की चीज़ें जो हम लेते हैं ना, इवन मूली को बहुत अच्छा, क्योंकि जब स्मोक करते हैं तो बॉडी में जब क्रेविंग की होती है, जब एसिडिक डाइट हम खाते हैं, जो लोग मीट मच्छी और ऐसी चीज़ें खाएंगे या गर्म एसिडिक चीज़ें खाएंगे उनकी क्रेविंग ज़्यादा होती है, तो उनको अगर अल्कलाइन डाइट पे आ जाते हैं, सपोज वो नारियल पानी पीने लग जाते हैं, पेठा का इस्तेमाल करते हैं, घिया, काली तोरी, इस तरह की जब चीज़ें खाएंगे अल्कलाइन डाइट, तो वो क्रेविंग भी कम हो जाती है। जैसे मूली का पानी पीने शुरू करते हैं, शहद में मिला के मूली का पानी, तो ये जो है उससे क्रेविंग जो है वो डेफिनेटली कम होती है। और जैसे कोई सिम्टम्स जैसे क्रोनिक कफ होती है तो हम कहते हैं कि उसको लिकोरिस का एक टुकड़ा जो है मुलट्ठी का वो रख लेना चाहिए है ना, उससे उसकी जो है वो स्मोकर कफ जो है उसके लिए बड़ी अच्छी है। ऐसे टेबलेट्स भी आती हैं कफोल के नाम से, बड़ी इफेक्टिव टेबलेट्स हैं। डॉक्टर गुलाटी, हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग की, उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स की, अब हम जानना चाहेंगे कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं उन्हें किस तरह की हैबिट्स डालनी चाहिए। हाँ, जो स्मोकिंग छोड़ने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है हैबिट। हैबिट का आपने शब्द बोला, हैबिट में आप कौन कौन से अक्षर होते हैं, HABIT, एच को अगर काट देते हैं तो क्या रह जाता है, अ बिट रिमेन्स। अब ए को काट देते हैं, बिट रिमेन्स, बी को काट देते हैं, इट रिमेन्स। अगर आप इसको HABIT धीरे धीरे काटेंगे ना तो इट रिमेन्स, आपको पूरी लकीर लगानी पड़ेगी, हैबिट टोटल काट दो। जब तक आप अपनी कार में, अपने घर में ऐश ट्रे को नहीं घर से फेंकते, सिगरेट की वो डब्बी को बाहर नहीं फेंकते खिड़की से, तब तक आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि विल पावर सबसे बड़ी है, एंड आई थिंक पावर दैट विल्स दैट इज द पावर दैट फुलफिल्स। तो मैं तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो है
वो विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहूँगा। और उसमें मुझे लगता है कि अगर हम मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करें सुबह उठ करके, जैसे कोई आदमी अर्ली मॉर्निंग उठे और मेडिटेशन करे, तो उसको जो है वो स्मोकिंग जैसी हैबिट्स, उसकी विल पावर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि उसको एनर्जी जो है वो नेचर जो परमपिता परमात्मा से उसको प्राप्त होगी, तो वो इसको छोड़ पाएगा। पावर जो विल है ना, वो विल पावर तभी बढ़ती है जब हम जो है सवेरे मेडिटेशन करते हैं या योगा करें, प्राणायाम करें, डीप ऑक्सीजन, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में कम जाती है स्मोकिंग से, तो जो डैमेज एटलीस्ट जब ऑक्सीजन उसको ज़्यादा मिलने लगेगी वो थोड़ा सा अपने को एक्टिव अलर्ट महसूस करेगा, यार मेरे में एनर्जी आ गई है। तो इस तरह की जब वो फीलिंग उसको आएंगी तो उसको ये कंपेल करेंगी कि मुझे ये गंदी चीज़ छोड़नी चाहिए। उसके चेहरे पे जब वो रौनक सी आने लग जाएगी, एक स्मोकर का जो चेहरा है वो उसका चेहरा ही बताता है, उसका फेस बताता है कि ये स्मोकर है, उसकी बॉडी से स्मेल आ रही है, उसकी बॉडी में उसको बोलते हैं हेलिटोसिस, लगातार मतलब उसकी बॉडी से मतलब स्मेल, बालों से स्मेल आती है, हाथों के पसीने से स्मेल आती है, तो वो स्मोकर्स की जो इस तरह की जब वो अपने आप में चेंज देखता है कि भाई मुझे सभी मुझे सोसाइटी में भी उसको एक्सेप्टेंस ज़्यादा होने लग जाती है, तो फिर वो जो स्मोकर जो है अपने आप को जब कुछ बेटर महसूस करता है तो तब उसकी विल पावर भी जागती है, ठीक है, तब उसको जो है वो उसको छोड़ने में उसको थोड़ी इनकरेजमेंट उसको मिलती है, है ना। स्मोकर्स एक्चुअली शिकार तब होते हैं जब वो उसकी सोसाइटी में उसके फ्रेंड्स, क्योंकि ये संग दोष है, इसको कहते हैं पीयर प्रेशर। देखो देखिए बच्चा एक आदमी को सोसाइटी, जैसे कहते हैं ना एक फैशन और पैशन, ये सिर्फ फैशन और पैशन का शिकार हुआ हुआ है, तो उसको जब पता है कि यार मैंने ये सोसाइटी में जो मैं जो है मेरा दोस्त जो है उसको उसको उस ऐसे दोस्तों को छोड़ दे जो उसके सामने बैठ करके स्मोक करता है, तो उसको उसको छोड़ने में ही उसको जो है ऑटोमेटिकली ही विल लीव इट। डॉक्टर गुलाटी, परिवार, दोस्त और काम कितने सपोर्टिव और हेल्पफुल होने चाहिए स्मोकिंग जैसी हैबिट को दूर करने के लिए? देखो परिवार का तो बहुत बड़ा, क्योंकि बेसिक इकाई है, उसको अगर घर से उसको इंकरेजमेंट, उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, वो समझ, उसका पहली बात तो उसको इसकी अवेयरनेस हो जाए कि जो मैं स्मोक कर रहा हूँ मैं अपना नुकसान तो कर ही रहा हूँ, पर मेरे से भी ज़्यादा नुकसान जो है मेरी वाइफ का हो रहा है, मेरे बच्चों का भी हो रहा है, और जो मेरा उससे एटमोसफेयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ मैं सोसाइटी में, जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं उसको जब समझ आ जाएगी तो परिवार के लोग भी जो है इसको प्रोत्साहन कर सकते हैं उसको जो है उसको छोड़ने के लिए। जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे अगर एक आदमी स्मोकिंग छोड़ने के लिए अगर उस जब भी उसको क्रेव होती है स्मोक करने के लिए तो एक गिलास पानी पी लें, और पानी की मात्रा जो है जब ज़्यादा जाएगी तो निकोटीन पानी से ही बह करके वो निकल जाएगा। निकोटीन जो है जितना पानी से निकल जाता है हमारे यूरिन से निकल जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो जो है ना उसके चेहरे पे भी कुछ मतलब जैसे ना उसकी झुर्रियाँ पड़ रही हैं बॉडी में तो वो उसकी ठीक हो जाएंगी। तो मैंने बताया कि जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और उसको जो उसकी जो हेल्थ हैजर्ड्स मैंने बताए हैं, है ना, ऐसी भयंकर कैंसर जैसी बीमारियों से उसने बच जाना है, तो उसकी फैमिली की जो है उसको सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है ना। फैमिली में उसकी बच्चे हैं, जब उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे पैसिव स्मोकिंग, आप समझते हैं ना, पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है जो आदमी एक आदमी स्मोक कर रहा है, ठीक है ना, उसकी जो स्मेल दूसरे को जो फेंक रहा है तो वो जो वो उसके लंग्स को भी तो नुकसान कर रही है ना, वो उसमें भी वो पॉइजन जा रही है, तो इसको कहते हैं सेकंड हैंड मतलब हमने स्मोक किया, तो जो फैमिली की उसकी वाइफ है उसको भी कई प्रॉब्लम्स जो है डेवलप हो सकती हैं, और जो छोटा बच्चा है घर में, अगर बाय द वे बहुत ही छोटा बच्चा है तो उसको क्या होगा कि उसके जो है ईयर में इन्फेक्शन हो जाती है, और खास बार बार ब्रोंकियल एस्थमा जैसी प्रॉब्लम, कई जगह ऐसे हेल्थ हैजर्ड कोई पड़ोस में भी करता है ना, उसका भी इफेक्ट पड़ता है उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के ऊपर। तो ये तो एक इतनी गलत, जैसे आप किसी डिब्बे में ट्रेन में जा रहे हैं तो अगर कोई स्मोक कर रहा है तो वो जितने भी आसपास बैठे हुए पैसेंजर्स हैं उस पर इफेक्ट करता है। और आज तो हमारे जो है जगह जगह पे अब तो वैसे लीगली भी कर दिया हुआ है कि टीवी में या कोई मैगजीन्स में या कुछ इसकी इसको प्रमोट नहीं किया जाता। डॉक्टर गुलाटी, स्मोकिंग जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या हम कोई डाइट चार्ट भी बना सकते हैं, उसके बारे में बताएं? हाँ, डाइट चार्ट बहुत अच्छी बात की है कि हम अगर उसका रूटीन बना दें कि भाई तुमने अपनी डाइट में, मैंने बताया ना कोई एसिडिक डाइट अगर वो कम कर देगा तो उसमें अल्कलाइन डाइट में जैसे कि मूली का इस्तेमाल है, मूली और शहद, ये जो है अगर वो रेगुलर उसका सेवन करे, है ना, इसी तरह से कि हमारे यूकलिप्टिस के जो पत्ते होते हैं ना उसको जैसे पत्तों को तोड़ के 2 ग्राम के 10 ग्राम के करीब पत्तों को तोड़ करके 1-2 कप पानी में डाल लें और 1 कप रह जाए उसको उबाल लेना है, और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के अगर वो 4-5 बार लेता है रूटीन में। और डाइट में तो मैं समझता हूँ जैसे गाजर है, गाजर का जूस है ना, इवन पत्ता गोभी है, जैसे जो अल्कलाइन चीज़ें हैं उसका सेवन जो है वो ज़्यादा किया जाए तो हम स्मोक उसका क्या है, उसको रूटीन जब भी उसको क्रेविंग होती है तो उसको जो है कोई ना कोई चीज़ उस टाइम पे जैसे कि जैसे छोटे जैसे होते हैं ना गन्ने की गनेरियाँ, इसको अगर वो उसका रस चूसने लग जाए ना, या कई बार वो च्यूइंग गम होती है तो उसको उस टाइम पे जैसे क्रेविंग हुई तो वो। और एक मेथड ये मैंने देखा है कि जो हम इसके जस्ट टाइम पे वो सिगरेट पीने की इच्छा होती है ना, अगर छोटा सा टुकड़ा एक छोटा सा रॉक साल्ट का
जबान के टिप्पे लगा लिया जाए तो वो उसका जो है ना वो टेस्ट बर्ड्स जो है वो एकदम से रिएक्ट करती हैं और वो आदमी उसकी इच्छा नहीं होती उसको पीने की। तो इस तरह के मतलब जो हाँ ये बात आपने बड़ी सुंदर कही कि उसके जो इफेक्ट्स हो सकते हैं ऐसी क्या डाइट ली जाए, तो मैं समझता हूँ कि रिच इन विटामिन सी है ना वो डाइट लेने से जो है वो क्योंकि जो डैमेज होता है स्मोक का वो उससे हम बच सकते हैं। अगर कोई आदमी स्मोक कर रहा है और वो चाहता है कि भाई मेरे को स्मोक तो छूट नहीं रही और मेरी हेल्थ भी ठीक रहे, तो मैं समझता हूँ उसको एल्कलाइन डाइट जो है वो ज़्यादा दी जाए और साथ में जो है बॉडी क्योंकि इसमें इम्यूनिटी कम होती है ना स्टेमिना कम होता है रेजिस्टेंस कम होता है एनर्जी कम होती है, तो उसको एनर्जेटिक जो है चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिसमें है ना जिन चीज़ों में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो उसको करना चाहिए। डॉक्टर गुलाटी हमने बात की डाइट चार्ट की, अब हम जानना चाहेंगे कि क्या कोई एज लिमिट भी है स्मोकिंग जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। देखो इसकी एज जो है जब जवानी चढ़ती है ना जैसे स्टार्ट होता है 17-18 साल की उम्र होती है जैसे ही एडोलेसेंस एज जिसे हम कहते हैं, तो उसमें इस अवस्था किशोर अवस्था जिसे कहते हैं किशोर अवस्थाओं को अपने दोस्तों को जब ये 9th 7th 8th क्योंकि बचपन से स्टार्ट होती है ना इसे जो जब इनको ये 14-15 जब टीन एज में आ जाता है ना तो उस टाइम पे मेल फीमेल कोई भी बचे नहीं है। हमारे इंडिया में तो नहीं जैसे बाहर के देशों में हमने देखा है कि बहुत सारी गर्ल्स भी जो है वो स्मोकिंग के शिकार में हो जाती हैं, तो बॉयज़ तो ये स्मोकिंग का जो है उनको क्योंकि उस टाइम पे ऐसा अनुभव होता है अगर किसी के पेरेंट्स पहले स्मोक कर रहे हैं है ना बच्चा फिर उसको देखो देखी या उसके फ्रेंड्स हैं वो अगर स्मोक की आदत में हैं ठीक है ना, तो फ्रेंड सर्कल से एडोलेसेंस एज जो है ना वो बड़ी समझाने वाली है समझने वाली है और इसका जो है स्कूलों में कॉलेजों में इसका जो है वो प्रचार होना चाहिए इसके जो इसके इसके डेंजर्स हैं उसके बकायदा चार्ट्स बने हों पैम्फलेट्स लगे हों और स्कूलों में और कॉलेजों में इस एज में जो है ना बच्चों को जो है अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब वो शुरुआत होती है ना नो डाउट कि बॉडी उसको रिएक्ट करती है पर फिर भी जब वो फंस जाता है जब वो एक बार सिगरेट शुरू कर दी तो निकोटिन एक ऐसी चीज़ है जो एडिक्टिव है उसने अपने एडिक्शन उसकी क्रेविंग हो जाती है जैसे वो छोड़ता है उसको ऐसे लगता है जैसे मैंने कुछ मैं खो गया है ना मेरी कंसंट्रेशन खत्म हो गई है मैं जो कुछ प्लेयर कईयों से हम पूछते हैं क्यों पीते हो भाई तुम, वो कहते हैं आई फील कूल आई फील प्लेयर आई फील। मैंने कईयों को क्वेश्चन किया कईयों को मैंने अपने जो यंग बच्चे होते हैं कई बार मैं उनसे इंटरेक्शन करता हूँ तो मैं पूछता हूँ बेटे क्या मिलता है तुम्हें इसमें तो बड़ी पॉजिटिव कहते जी हमें इसमें ऐसे लगता है कि मेरी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। अच्छा एक चीज़ मैंने और भी नोट की है कि कईयों को ये लगता है कि क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई स्मोक करता है ना तो अगर 7 स्मोक एक दिन में कोई चेन स्मोक करता है उसको 200 कैलोरीज के करीब जो है वो फैट बर्न कर जाता है तो उससे मोटापा जो है ना उसका डेफिनेटली कम हो रहा होता है और उसकी भूख भी मर जाती है क्योंकि निकोटीन का डाइजेस्टिव सिस्टम पे बैड इफेक्ट है तो उसे भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगेगी तो नेचुरली मोटा नहीं होएगा मोटा नहीं। अच्छा ऐसे लोगों को जब हम कहते हैं भैया तुम स्मोक छोड़ दो तो कहते हैं उनको डर लगता है कि हम मोटे ना हो जाएं। अब मोटे हो जाने के चक्कर में वो अपना डेंजर बॉडी का सत्यानाश कर रहे हैं है ना, उनको हमारे ये मैसेज है कि भाई वो जो है उसको डाइट उनको समझना चाहिए कि उनको क्या डाइट लेनी चाहिए कि उनको जो है एल्कलाइन डाइट लें और उसमें जो है कैलोरीज ना हो है ना कि जैसे तार खीरा तरबूज खरबूजा इसमें कैलोरीज कम होती हैं पेठा पंपकिन जिसे बोलते हैं इनमें कैलोरीज कम होती हैं ऐसी डाइट का। हाँ आलू बंद कर दें चावल बंद कर दें है ना ज़्यादा तले हुए चीज़ डीप फ्राइड चीज़ें जो है फैट वाली चीज़ें वो बंद कर दें रेगुलर एक्सरसाइज करें है ना लंबी सैर करें प्राणायाम करें योगा करें है ना वो एक्सरसाइज अगर वो साथ करें तो उनको मोटापा भी नहीं आएगा और वो उस बंदी बीमारी से इससे जो क्रेज जिसको छोड़ नहीं पाते उसको वो छोड़ सकते हैं और वो उसको जब छोड़ने के टाइम पे जो उनको एक बड़ी सपोर्ट की जरूरत होती है कि जिसके फैमिली मेंबर्स भी उसको सपोर्ट करें कि भाई इससे जो है तुम्हारा जो है और उसको इस तरह के जब वो उस टाइम पे उसको क्रेविंग होती है तो कोई अपने को बिजी करे है ना अच्छा लिटरेचर पढ़े कोई चलो मूवी भी देख ले तो भी अच्छा कहीं अपना माइंड डाइवर्ट करे क्योंकि उसको पहले कुछ दिन डिफिकल्ट होते हैं और उससे जो है मैंने बताया जैसे कि योगा और प्राणायाम से उसकी मेन तो उसकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना जो है ना वो उसको एक तरह का इंकरेजमेंट मिले सबसे कि भाई आपने देखो कल नहीं किया तो आज भी कुछ भी तो नहीं हुआ तो जब ऐसी फीलिंग दे दी जाएगी फैमिली से या बच्चों से तो आई थिंक कि भाई वो छोड़ सकते हैं इसकी सपोर्ट तो जो है ना बहुत जरूरी है उसके साथ। डॉक्टर गुलाटी स्मोकिंग जैसी प्रॉब्लम को किट करने के कितने घंटे या मिनट में आप इसका प्रभाव देख सकते हैं इसके बारे में हमें बताएं। हाँ जब स्मोकिंग खुट करते हो फेंकते हो तो उसके आपको लगभग एक दो जैसे आपने जिसमें जिसको चेन स्मोकर है तो जैसे 7 सिगरेट जिसने दिन में पीनी शुरू कर दी ना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। शुरू में तो छोड़ भी सकते हो बड़े आसानी से, जब जिसने 7 पी तो उसको निकोटिनिक एसिड जो जब कम होता है ना लेवल तो उसमें क्या होता है निकोटीन क्या करती है हमारी जो नर्व एंडिंग्स होती है ना उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दो, एक होता है डोपामिन और एक होता है उसमें से एंडोर्फिन।
जो यूफोरिया मतलब हैप्पीनेस ही देती है। तो जब वो चीज़ नहीं, उसको कामनेस कंसंट्रेशन, उससे क्या होता है अलर्टनेस ही उसको लगती है, क्योंकि शुरू शुरू में ये डिप्रेसिव स्टिमुलेंट होती है ना ये, तो जब इसको उसका लेवल कम होता है तो उसको बॉडी सोचती है जैसे मैं मुरझा गया हूँ, जैसे मेरे शरीर में कुछ ही साथ सत्ता नहीं रही है, और मेरे को जो है वो हाथ पैर उसके कंपने शुरू हो जाएंगे, समटाइम्स इरिटेबल चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, है ना, वो डिस्टर्ब सा हो जाएगा, छोटी सी बात के ऊपर उसको बड़ा गुस्सा सा आने लगा, इरिटेटिंग सा हो जाएगा, तो उसकी कामनेस जैसे कोई खुशी जैसे उससे खोई गई है, तो कई बार वो बिना मतलब के उदास भी रहने लग जाते हैं, तो उनको उनके लिए मेडिसिन देनी पड़ती है हमें। जैसे मैं समझता हूँ कि अगर हम उन ऐसे पेशेंट्स को अगर हम उसमें ब्रह्मी दे दें, है ना, ब्रह्मी की बट्टी एक गोली सवेरे शाम खा लें, या एक जटामासी होती है हमारी, है ना, शंख पुष्पी का शरबत पीना शुरू कर दें साथ में, जो वो सिम्टम्स हैं छोड़ने वाले, उसको हम उसके लिए कोई दवाई दे दे, तो आई थिंक जैसे बॉडी एक्स हो जाती है शुरू, ठीक है, बॉडी एक्स के लिए अश्वगंधा बड़े कमाल करती है, नेचुरल वे से वो सेडेटिव काम करती है, तो अश्वगंधा वी कैन गिव तगर, है ना, ब्रह्म रसायन नाम से एक मेडिसिन आती है, तो इस तरह से ब्रह्म रसायन है या स्ट्रेस कॉम के कैप्सूल आते हैं जो अश्वगंधा बेस्ड होते हैं, है ना, इवन काओ घी से मिरेकल, उससे भी उनको बहुत फायदा होता है, उसका वो थोड़ा सेवन करें और उससे जो है अपनी एनर्जी लेवल जो उनका बढ़ेगा, तो अल्कलाइन डाइट देंगे तो उसको फायदा होगा। डॉक्टर गुलाटी, हम चलते चलते आपसे एक संदेश चाहेंगे हमारे सुनने वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए और यंगस्टर्स के लिए नो स्मोकिंग डे पर। देखो मैं तो ये समझता हूँ कि सिगरेट क्यों की को डिफाइन करते हैं ना, सिगरेट के एक एंड पे फायर है और दूसरे एंड पे क्या है, एक फूल है, तो डोंट बी फूल बिकॉज यू आर फूलिंग योर सेल्फ बाई टेकिंग दिस सिगरेट। और सिगरेट और ये जो बीड़ी या जो भी चीजें हैं, ये अगर आप अपनी गुड लुकिंग चाहते हो, लंबी आयु